स्वागत है। आज मैं आपको जीरा आलू बनाना सिखाती हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सरल सिंपल तरीके से बनाए जाते हैं, जो खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं। आज मैं आपको चटपटे जीरा आलू बनाना सिखाती हूँ। जीरा आलू के लिए जिन मसालों का हमने उपयोग किया है वो इस तरह से है। थोड़ी सी आधी चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, जीरा पाउडर 1 चम्मच लिया है, 4 से 5 कलियां हैं लहसुन की, 3-4 मिर्च हैं हरी कटी हुई, और 1.5 चम्मच हमने असली घी का प्रयोग किया है इसमें। ये कुटी हुई काली मिर्च है, थोड़ा सा काला नमक है 1/4 चम्मच, कटा हुआ धनिया है। इन सब का हमको अपने करके उस पर फ्राई पैन रखेंगे। अब हम इसमें अब देसी घी फ्राई पैन में अपने डाल देंगे। जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जीरा डाल करके अच्छे से अपने सारे मसालों को साथ 1/2 चम्मच बिना पिसा हुआ जीरे का भी प्रयोग करेंगे। घी के साथ हमें इसे अच्छे से भूनना है। अब हम डाल करके अच्छे से भूनना है, और इसी में हम हरी मिर्च का भी डालकर हरी मिर्च डाल करके इसमें मसालों के साथ अच्छे से घी में फ्राई करना है। अब इसमें हम काली मिर्च भी डाल देंगे जो 1 चम्मच है करीब, और 1/4 चम्मच हमने काला नमक दिया उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके साथ सबसे पहले हम जीरे और मसालों के साथ घी में आलू को फ्राई करेंगे, जो करीब 1 मिनट तक करना है। इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मैश करेंगे। कश्मीरी मिर्च का प्रयोग करेंगे, उसे भी हम साथ में ऐड कर देते हैं जो कलर फुल होती है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसके साथ ही हम इसमें नींबू का रस डाल देते हैं, जो 1 बड़ा नींबू का रस है, इसे भी हमें अपने जीरा आलू में मिलाना है। उसमें 1/2 चम्मच और भी लाल मिर्च डाल सकते हैं पिसी हुई। इसमें हम हल्दी का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब हम अपना ऊपर से पिसा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, जो करीब 2 चम्मच के है। ये देखिए जीरा आलू आपके बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें प्लेटिंग करेंगे निकाल कर किस तरह से, यदि आपको बताते हैं। इसमें हम थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे जो हमने पहले से बारीक काट के रखा है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको जीरा आलू तैयार मिलेंगे, जो बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट है। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।